आशा कार्यकर्ता मां बेटी दबंग की गंदी हरकतों से परेशान, आरोपी फिजिकल रिलेशन के लिए बनाता है दबाव, एसपी से शिकायत। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बेलहरा गांव की आशा कार्यकर्ताओं ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर गांव के एक युवक पर उसके और उसकी बेटी के साथ असली छेड़छाड़ और परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। बलहेरा गांव की आशा कार्यकर्ता ने बताया कि वह गरीब महिला हैं और गांव में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इसी गांव का रहने वाला शिव सिंह उर्फ गुटहन यादव मुझसे कहता है कि तुम बेडियां जाति की हो, तुम्हारे समाज में तो धंधा होता है, मेरे साथ संबंध बनाओ नहीं तो जबरन पकड़कर ले जाऊंगा। रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर झूमा झटकी करता है, गलत इरादे से मेरे शरीर को टच करता है। मैंने कई बार कहा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मैं ऐसी महिला नहीं है। मैंने इसकी शिकायत उसके घर वालों से भी की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बीते रोज उसने मेरी बेटी के साथ भी गंदी हरकत की जब वह घास का गट्टा लेकर आ रही थी। पीड़ित माँ बेटी ने सोमवार को इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराई है। कार्य करने में विघ्न करता है शिव सिंह यादव और मुझे बहुत तंग करता है, छेड़छाड़ी करता है। मैं तेंदुआ गई तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कैसे कार में बाला डालता है वो? आयुष्मान कार्ड वगैरह बना रही हूँ मैं, मेरा तो काम है घर घर जाना, सब काम करना, महिलाओं के ऊपर काम करती हूँ। तो मुझे गलत तरीके से छीता है वो, पकड़ता है, खींचता है, मेरे से कहता है मेरे साथ गलत संबंध बनाओ, नहीं बनाओगी तो मैं आपको जान से मार दूंगा, इतनी धमकियाँ देता है। और कल मेरी लड़की घास लेके आ रही थी, परसों 10 तारीख को, तो मेरी लड़की के हाथ से घास का गट्ठा छीन लिया और हाथ पकड़ लिया और खींचा तानी करने लगा। इसकी क्या रिपोर्ट नहीं किया आपने थाने में? रिपोर्ट की ना सर, किसी ने कुछ नहीं सुना। अच्छा, अभी क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी सर ने बोला है कि अभी पकड़ के लाएंगे, नहीं लाएंगे तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ और आप मुझे कॉल करना।